सो हे गाइज, वेलकम टू द चैनल, वेलकम टू द अनदर वीडियो। किद्दां हो तुसी सारे? आई होप तुसी सारे बहुत वधिया होवोगे। ते इस टाइम हो रहा है 11 बज चुके ने, ते मैं इस टाइम फ्री हुई सीगी, थोड़ा जिहा टाइम सीगा मेरे कोल, ते मैं अज दा व्लॉग मैं स्टार्ट कर दिनी आ। बच्चे स्कूल जा चुके हैं ते मैं इस टाइम बना के लेके आई सी अपने वास्ते, मैं दिखांदी हूं। सो अज मैं बनाई सी मैगी, बिकॉज बच्चों वास्ते तो वीकली बनती है, बट हुण मैं बहुत घट मैगी कीती हुई है। बच्चे खाते हैं, बच्चों तो एक अद्धा स्पून ले लैंदी हूँ, वैसे मैं नहीं लैंदी। तो अज मैं कल्ली सी, सारे गए हुए हैं, बच्चे स्कूल गए तो ये भी काम ते चले गए सीगे, तो मैं क्या मैं अज मैगी बना के खा लैंदी हूँ। होर तो हुण मैं की बनाना कुछ, तो बस इतने मैं मैगी बनाई है। विच मैं थोड़ा जे मेरे को पनीर पिया सी, तो वो मैं डाइसिस कट के पा ले सी, बिकॉज बच्चे गए सी अज लैके पनीर की परौंठी लेके गए ने, ते बस इस करके जिहड़ा बचिया होया सी मैं क्या चलो मैं मैगी दे विच पा लैंदी हूँ। नाल मैं बना ली कॉफी, ते मैं क्या नाले खा लैंदे आ, ब्रेकफास्ट करदे आ और तुहाडे नाल गल कर लैंदे आ। ते बस मैं क्या मैं ये कर दी हूँ और नाल दी नाल व्लॉग स्टार्ट कर दिंदी हूँ, बिकॉज अज का जो दिन है वह बहुत ज्यादा बिजी रहन वाला है। मैं अज प्लस ए खान तो बाद एडिटिंग भी करनी है। रात नू मेरे तो एडिटिंग हुई नहीं, पता नहीं क्यों, मेरी ना बैक दे विच बहुत ज्यादा पेन सीगी, ते टायर्डनेस भी बहुत फील हो रही सी, ते मैं राती इद्दी सो गई सी। तो एडिटिंग करनी बहुत जरूरी है। इकनूर दे आन तो पहला, इकनूर ने आना है ओही पौने एक बजे, ते इकनूर आन तो पहला पहला मैं क्या मैं एडिटिंग दा काम खत्म कर लां, ते बस। और अज दा दिन जिदा मैं थानू कहा कि बिजी, बिकॉज कल असी निकलना है पंजाब वास्ते, फाइनल हो चुके है कि पंजाब वास्ते असी कल निकलांगे, कल रात दी रिसेप्शन है, तो परसों असी वापिस आ जाना है, ते बस उसकी तैयारी करनी है। बच्चे स्कूल तो आएंगे, उस तो बाद बच्चों का हेयर वॉश कराना, संडे में करवाना सी, संडे में कराया नहीं कि कोई गल नहीं, हुन एक दो दिन रुक के ही मैं करवाती हूँ, बिकॉज मैं क्या पंजाब जान तो पहला अगर असी गए रिसेप्शन ते ता उदो ही करवाऊंगी। सो दैट्स वाई कि मैनू अज उन्होंने स्कूल आने तो बाद हेयर वॉश भी कराना है, ते मेहंदी दी की मैं मार्केट गई सी ते लैके आई सी, बिकॉज बच्चे ने मैं ना वैसे ही गल की कि भई मैं इस बार ना मेहंदी लगानी है, मैं बहुत टाइम हो गया मैं मेहंदी नहीं लगाई, मेरा बहुत दिल कर रहा। ते बच्चे मम्मा बाद च लगाई, बच्चे पहला लगाएंगे, ते बच्चे पहला रेडी सीगे। मैं क्या थोड़े स्कूल दे विच अलाउड नहीं है गए किदा, वो कहंदे नहीं मम्मा लगा के आंदे आ, सानू नहीं पता सी लगानी है। तो मैं कीप ले आई सी, ते बच्चियां दी मैं मेहंदी भी लगानी है अज, ते ओही है कि पैकिंग भी करनी है, चाहे एक दिन वास्ते जाना हो, बच्चियां दे नाल समान हो ही जांदा, तां बस फटाफट अपना खा के वीडियो एडिट करके एंड दैन मैं थानू मिलदी हां। शूज इदा नहीं सीटने, एक आ सीटता एक सीटे, बॉटल आई कार्ड बैग, ते ए जाएगी हुन शॉर्ट्स, 1 2 3 ते गई, वाह 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 वा, आ गई इथे। गंदी गल गंदी गल। सो थोड़ी देर बाद मिलदी हां मैं, इस नू फ्रेश हो जाए ये बच्चा, ते मैं अज जिदा मैं दस्या सी कि मैं रवनूर नू भी लैन जाना है, ते इथे मैं रखे हुआ कट के, इथे मैं कणी ते मूंगी दी दाल भिओ के रखी हुई सीगी, ते बस इथे मैं प्याज कटे हुए आ, बिकॉज खिचड़ी ओहो हौली, क्योंकि मैं बनानी है खिचड़ी, खिचड़ी बना के जाऊंगी मैं रवनूर नू लैन वास्ते। की कह रहे हो तुसी इकनूर? हां जी, ओ टी शर्ट भी गई, ओ शेम शेम, किथे गई टी शर्ट? ओ देखो वाह 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 वाह, टी शर्ट हो
ज्यादा मस्ती हो रही है। हाँ टी शर्ट आ शॉर्ट्स आ शूज। हाँ जी मम्मा जी जे गुगू नू भी मैं इतनी सिट्टू घुमा घुमा के फिर सिट्टू सिट्टू चिट्टू चिट्टू काकी ने चिट्टू 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 गुल्ली गुल्ली गुड्डी 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 गुड्डी। बाय 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 तो कर दो बाय। चलो मैं जा रही हूँ दीदी नू लैंड। ठीक है शरारता शरारता नहीं करनी, आंटी जी को तंग नहीं करना। ठीक है कुछ ना करे वो हमारी बेटी है बेचारी, हमने छुप छुप के खाना भी खा लेंगे बैठ बैठ के। ठीक है सो वी आर बैक गाइज, असी आ गए स्कूल तो एंड टाइम हो गया 2:15 दा, सवा दो हो गए। ते बाहर बहुत ज्यादा गर्मियां आ, देखो इकनूर इकनूर खा रही है बिस्किट। आंटी मेनू कहंदे कि इकनूर कह रही सी कि मेनू भूख लग रही है, जबकि मैं उसनू फ्रूट देता सीगा। ते फ्रूट दे के गई सी जद स्कूल तो आई सी। ते चलो हुण मैं बनाई सी खिचड़ी, ते खिचड़ी खाएंगे। चेंज करो फटाफट रवनूर। ते बाहर वेदर ना बहुत ज्यादा गर्मी है, मतलब ना बहुत ज्यादा तेज धुप, एंड इसी करके मैं एक नूर नू नहीं लेके गई सी। मैं आंटी नू कल ही पहले कहता सी कि मैं क्या अज घर कोई नहीं होएगा, तुसी थोड़ी लेट आयो ते उस टाइम तुसी अपना काम करियो, क्योंकि आंटी नू घंटा डेढ़ घंटा लगता है काम करने वास्ते। ते मैं क्या तुसी नाले काम कर लियो और एक नूर दे कोल बैठे हो, तो तुसी डेढ़ पौने दो बजे के करीब आयो। ते आंटी जी फिर 9 बजे ही आए सी, ते मैं आंटी जी कोल एक नूर नू छड़ गई सी, बिकॉज बाहर बहुत ज्यादा धुप। मैं क्या इन्नी धुप दे विच एक नूर नू नहीं लेके जाना। तो चलो लंच दिंदी हूँ बच्चों, खिचड़ी बनाई हुई है, खिचड़ी खाते हैं बच्चे। ते मैं अज इन्हों का हेयर वॉश कराना है, काम बहुत ज्यादा है बेटा, जल्दी जल्दी करो। ओके yes. ते लंच बच्चे ने कर लिया सी, ते मैं रवनूर एंड इकनूर दोनों का हेयर वॉश कराता था। इस टाइम मैं इकनूर दे हेयर ड्राई कर रही हूँ एंड दैन रवनूर दे, ताकि थोड़ी छेती सुख जाएंगे। इस तो बाद मैं बनानी है चाह, ते बच्चों का दुध, उस तो बाद शाम वास्ते मैं डिनर रेडी करना है। ते मैं भी ऑयलिंग की सी, मैं क्या मैं ऑयलिंग करन तो थोड़ी देर बाद नहाऊंगी, इन्हें मैं बच्चों के ड्राई कर देती हूँ। सो हजे तक मैं पैकिंग बिल्कुल भी नहीं की, तो चलो फटाफट सारे काम खत्म कर दें। मेहंदी लगाई है, तो मेरे को जिदा मैं क्या सी कीप है, तो थले आंटी तो ये लगवा के आई है कि मैं असी मेहंदी। हां जी हां जी, ते इना ने रखनी तो है नहीं, बट ठीक है बच्चों के अकॉर्डिंग उन्होंने लगाती। इदा दिखाओ हैंड दिखाओ शो करो। ते बस रवनूर लगवा रही है थले, एक नूर लगवा के आ गई है, हुण हैंड इदा ही रखने। ठीक है हां जी, एक नूर ने लगवा ली, ते कोई बात नहीं बेटा, दीदी की अच्छी ये भी अच्छी है, कोई बात नहीं, बच्चों के अकॉर्डिंग आपकी लगा दी ना, मम्मा फिर लगाएगी। फिर जब दिवाली आएगी ना
दिवाली पे मम्मा लगाएगी, ठीक है फिर गुगू के। ते चलो ठीक है। ते मैं हजे गाइज इस टाइम शाम दे 6:30 हो चले और मैं बिल्कुल भी पैकिंग नहीं कीती, कुछ भी इवन टच भी नहीं कीता। मैं एक छोटे तो छोटा सामान भी मैं वो नहीं कीता। इकनूर बाहर ना जाए, हम बार बार थल्ले नहीं जाओ। इकनूर नहीं नहीं हम कितने जा रहे हो बेटा, बार बार नहीं जाओ। इकनूर नो बच्चे बुबी ना नहीं खुल लोएगा डोर। कितने जाना है पहले मैंने ये दसो, कितने जाना है? दीदी के पास। दीदी जाने, दीदी आ जाएगी ऊपर, फिर बार बार मम्मा डोर ओपन रखेगी। आराम नाल फिर गिरना नहीं, ठीक है आराम नाल। सो जब तक रवनूर उत्ते नहीं आती, इकनूर ने इदा ही करना है। तो मैं कह रही सी कि मैं बिल्कुल भी पैकिंग हजे स्टार्ट नहीं कीती है, ते हुन मैं स्टार्ट करूंगी। बच्चे आ जाए मेहंदी लगवा के, फिर मैं एक बार लॉक करके, हजे बार बार बच्चे उपर थले कर रहे। एक बार मेहंदी थले आंटी दे कोल गए सी, वो कहंदे लगानी है, मेरे को टाइम नहीं सी, मैं सब्जी वगैरह बना रही सी, तो मैं क्या थले आंटी को जाके लगवा लो, साडे थले रहंदे ने ते वो भाभी वो लगा देंदे है, ते बच्चे बस वही लगवा रहे हैं। सो इस टाइम मेरी ऑलमोस्ट पैकिंग डन है, तो टाइम हो चुका है 10:45 पौने 11 का टाइम हो रहा है आई थिंक। तो बच्चे तो बच्चे के पापा तीनों जने सो चुके ने, ए आए सीगे 9 बजे, तो उस तो बाद डिनर किया, तो फिर बस यही सो गए तीनों, क्योंकि ये भी सवेर के निकले हुए सी, थके हुए सीगे। तो बच्चों भी मैं सलाह दिता सीगा कि सवेरे उठना है फिर तो निकलना है पंजाब वास्ते, तो मेरा हजे काम रहिंदा सी, बिकॉज जब ये डिनर तो बाद मैं पैकिंग स्टार्ट की सी। पैकिंग बहुत ज़्यादा तो नहीं, एक बनाया मैं, फिर भी एक दिन वास्ते जाना है, पर फिर भी बच्चों के नाल कपड़े एक्सट्रा लैके ही समान जाना पैंदा है। तो बस 11 बजन वाले आ, और सवेरे असी 6 बजे निकलेंगे, ज़्यादा छेती नहीं, बिकॉज रिसेप्शन रात दी है, तो साढ़े को इनफ टाइम है पूरा दिन, तो दैट्स वाई कहते कि ज़्यादा छेती तो नहीं 6 बजे तक निकल जाएंगे, बाकी सवेरे ही पता चलेगा कि किन्ने बजे असी निकलते हैं। तो यह हजे मेरा छोटा मोटा समान असैसरीज पे आ बैड पर, मैं बाद च पाती हूँ बैग दे विच, ते बाकी रवनूर इकनूर तो इन्हों के पापा के जोड़े सवेरे कपड़े पाने वो मैं बैड पर ही रखते हैं, कि सवेरे उठ के आएंगे नहा के कपड़े इधरों चक के पा लेंगे। तो बस हूँ मैं सौंदी हाँ। आई होप थानू अज की वीडियो पसंद आई होएगी, तो लाइक जरूर कर दियो, चैनल ते नवे हो तो सबसक्राइब जरूर करियो।